हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल भर्ती निकली थी एक, शायद आपको ध्यान भी होगा, कल भर्ती निकली थी एक। किस पद पे भर्ती आई थी? वो आई थी एडीओ के पद पे। किस पद पे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे। एचपीएससी की ये भर्ती है। किसकी? एचपीएससी की, गवर्नमेंट जॉब है हरियाणा की, बहुत अच्छे लेवल की। बच्चे इंतजार कर रहे थे। फॉर्म 16 तारीख से, 16 सितंबर से, यानी आज से शुरू हो गए हैं। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। 6 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 526 वैकेंसी है टोटल इसके अंदर, ठीक है। 500 प्लस में वैकेंसी है। क्या है? 500 प्लस में वैकेंसी है। ग्रेजुएशन कर रखी हो दोस्तों, बीएससी। क्या है? बीएससी होनर्स इन एग्रीकल्चर। किसमें? इन एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो आप आवेदन कर सकते हैं। 17 से 35 साल उम्र है और 5 साल की छूट है एससीबीसी को। तो ये कल भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। आज एक और भर्ती का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो आपका आ गया है। क्या है? एक भर्ती का नोटिफिकेशन और आ गया है, वही आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एचपीएससी के द्वारा ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए, बहुत अच्छे लेवल की जॉब है। ऑफिसर टाइप क्या है? जॉब है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों, वो है आपकी टोटल 26 वैकेंसी है। 26 वैकेंसी है इसके अंदर टोटल। और इसमें जो पोस्ट का नाम है, क्या है पोस्ट का जो नाम है, वो मैं आपको बता देता हूं। सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, सब डिविजनल SDAO, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। क्लास बी की ये वैकेंसी है दोस्तों, क्लास बी की ये वैकेंसी है आप सभी के लिए। क्लास टू के आप मान सकते हैं। तो ये वैकेंसी निकल गई है दोस्तों। क्या है? बहुत अच्छी वैकेंसी है। और 16 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं दोस्तों। 16 तारीख से, यानी कि आज से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट इसकी भी 6 अक्टूबर है। उसकी भी 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसकी भी 6 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, और पोस्ट का नाम हो गया सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। क्लास टू की वैकेंसी है। टोटल 26 पोस्ट इसके अंदर दी गई है। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें, इसके अंदर क्या है? क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? तो दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? जो कल एडीओ की जो वैकेंसी आई थी, जो एडीओ की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी, उसमें क्या था आपका? बीएससी होनर्स इन एग्रीकल्चर मांग रखी थी, ठीक है। वो बच्चा क्या है, अप्लाई कर सकता था वो कैंडिडेट। आज जो भर्ती आई है SD, किस चीज की थी, क्या नाम था भाई? शॉर्ट फॉर्म देख रहा हूं भाई मैं, SDAO, ठीक है। आज इसकी भर्ती, इसमें क्या है? बीएससी एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए। क्या है? बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर तो क्या है, होना ही चाहिए आपका। साथ में प्लस में क्या होना चाहिए दोस्तों? एमएससी कर रखी हो आपने, सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर। क्या है? सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर भी कर रखी हो तो आप क्या है, इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें केवल ये थी, इसमें क्या कर दिया, प्लस में ये और ऐड कर दिया, सेकंड क्लास एमएससी भी आपने कर रखी हो एग्रीकल्चर से, तो वो कैंडिडेट इसके लिए क्या है, अपना आवेदन कर सकता है। और 10वीं और या ऊपर की जो हायर क्वालिफिकेशन, उनमें एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश जरूर पढ़ाओ कभी ना कभी, या तो 10वीं में या 12वीं में या ग्रेजुएशन में आपने हिंदी जरूर पढ़ी हो, ठीक है। और पे स्केल दोस्तों, उसका 35,000 से पे स्केल स्टार्ट था। 35,000 से 1,12,400 था।
इसका जो पे स्केल है, जो आज भर्ती निकली है SDA की, इसका जो पे स्केल है वो है दोस्तों 44,900 और 42,400। इसका पे स्केल ये है दोस्तों जो आज भर्ती आई है, ठीक है। और 5 साल की छूट है, मैंने बता दी। एज कितनी है इसमें? 21 से 35। इसमें तो आपकी थी 17 से 35, जो आज भर्ती निकली है उसमें है आपकी 21 से 35, ठीक है, 21 से 35 साल। और 5 साल की छूट आपको अलग से दी जाएगी। एज की काउंटिंग 1/9/2021 इस डेट को की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो। ठीक है ना। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो सिलेबस होगा, उसकी वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा दोस्तों। यदि हम फीस की बात करें, तो जो जनरल कैंडिडेट है मेल का, उसकी 1,000 रुपए फीस है। जो बाहर का कैंडिडेट है उन सभी की भी 1,000 रुपए फीस है। फीमेल है जनरल कैटेगरी की या बार की फीमेल है, उसकी 250 रुपए फीस है दोस्तों। क्या है? उसकी 250 रुपए फीस है, ठीक है। और जो SC BC है हरियाणा का, उसकी भी 250 रुपए फीस है। ये आपकी फीस रहेगी। फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करवानी पड़ेगी। फार्म भी आपका है ऑनलाइन ही है। क्या है? फार्म भी ऑनलाइन है। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है दोस्तों, ठीक है। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए क्या है अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भर्ती निकली है दोस्तों आपकी। कल जो आई थी वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की थी, जिसमें BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर था, केवल इतना ही था। लेकिन जो आज भर्ती आई है SDAO की, ठीक है, उसमें क्या है? BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर तो होना ही चाहिए, साथ में सेकंड क्लास MSc एग्रीकल्चर भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप योग्यता रखते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रेड बी की वैकेंसी है, क्लास बी की ये जॉब है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं नोटिफिकेशन को, तो टेलीग्राम ग्रुप है अपना नॉलेज टीवी देसी ताऊ नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पे आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।